में आपका स्वागत है। आज का राशिफल जानेंगे ज्योतिष आचार्य विष्णु शर्मा जी के साथ। नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका स्वागत है वडोदरा न्यूज नेटवर्क में। प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। सर्वप्रथम है आज का शुभ पंचांग, विक्रम संवत 2075, कार्तिक संवत 2074। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है 10:35 तक। आज धनु राशि का शुभ चंद्रमा है। बुधवार का दिन है। राहु काल 12:31 से 2:02 तक रहेगा, जिसमें कोई भी आज आपको शुभ कार्य नहीं करना है। सर्वप्रथम है मेष राशि। मेष राशि आज निर्णय लेने में सतर्कता ध्यान रखें। वैसे निर्णय लेने में आपको आज सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। व्यापार में अनेकों कार्य आज आपके सिद्ध होंगे। कुटुंबिक और परिवार में आज प्रेम परस्पर रहेगा। उन्नति के योग बन रहे हैं। आज मेहनत करते रहिए, सफलता मिल रही है। आगे है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज सामान्य मध्यम दिन रहेगा। स्वभाव में थोड़ी बेचैनी रह सकती है। मानसिक चिंताएं बनी रहेगी। कुटुंब को परिवार को लेकर कुछ सामान्य मतभेद रहेंगे। किसी से वाद विवाद ना करें, अन्यथा विचार भिन्नता के योग मतभेद के योग बन सकते हैं। सामान्य खर्चे का योग आज के दिन है। आगे है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा मध्यम रहेगा। सामान्य शारीरिक पीड़ाएं बनी रहेगी। व्यापार में साझेदारी में सोच समझकर आज आपको निर्णय लेना है। किसी भी कार्य संबंधी सोच समझकर निर्णय लेने से व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। कुटुंब में और परिवार में कोई प्रसंग का योग बन सकता है। आज के दिन कोई मेहमान अतिथि आपके घर पर आ सकते हैं। सामान्य खर्च बना रहेगा। आगे है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। सामान्य थोड़ा खर्चा रहेगा, लेकिन मन को मजबूत रखेंगे तो दरेक कार्यों में सफलता आपको आज प्रदान होगी। व्यापार में थोड़ा आपको कार्य का बोझ बढ़ेगा। कहीं घूमने बाहर जाने का योग बन सकता है, लेकिन खान पान में और स्वास्थ्य में आपको आज के दिन ध्यान अवश्य देना है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आज सामान्य थोड़ा मध्यम दिन रहेगा। काम का बोझ बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार को लेकर कुछ मानसिक चिंताएं बनी रहेगी। व्यापार में प्रगति के उन्नति के योग दिखा रही दे रहे हैं, लेकिन साथ में आपके ऊपर कार्य का बोझ बढ़ेगा। किसी मित्र वर्ग से लाभ होगा, लेकिन वाद विवाद ना करें, क्योंकि सामान्य आज आपके ऊपर थोड़ा मानसिक चिंताएं होने से मन में अनेकों नकारात्मक विचार आएंगे, उस पर अवश्य आपको ध्यान देना है। आगे है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए आज स्वभाव को शांत बनाए रखना है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। अनावश्यक कार्यों में आज के दिन खर्चा होगा, उस पर ध्यान देना है। उन्नति और प्रगति के योग आपके आज बन रहे हैं। कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। कुटुंब और परिवार से थोड़ा प्रेम बना के रखें तो आज का दिन आपका शुभ रहेगा। आगे है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आनंद प्रिय होगा। मौज मस्ती का दिन बढ़ेगा। कहीं घूमने बाहर जाने का योग बन सकता है। कुटुंब में परिवार में प्रेम मिलाप का योग बना रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होने के योग भी है। साथ में सामान्य खर्चा रहेगा। धार्मिक प्रसंग को लेकर
मन में अनेकों तरह के विचार उत्पन्न होंगे, सकारात्मक विचार रखें, कार्यों में लाभ रहेगा। आगे है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक उन्नति का योग रहेगा, कार्य में सफलताएं मिलेगी, सामान्य व्यापार को लेकर आज आपको मानसिक चिंता उद्भव होगी। प्रवास और मुसाफरी के योग बन रहे हैं, कुटुंब और परिवार को लेकर भी थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेगी। धन लाभ के योग हैं, व्यापार में उन्नति के योग हैं, समझदारी पूर्वक कार्य करें। आगे धनराशि। आज धनराशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। आंख, कान, गले की सामान्य आपको पीड़ा रहेगी, सर्दी कफ थोड़ा आपको बना रहेगा और कुटुंब और परिवार को लेकर थोड़ी कुछ सामान्य चिंताएं आपके ऊपर आज बनी रहेगी। कुछ खर्च हो सकता है, आर्थिक लाभ के योग हैं, मित्र वर्ग से आपको आज के दिन सहयोग मिलेगा, वाहन चलाने पर आपको आज सावधानी रखनी पड़ेगी, मानसिक चिंताएं बनी रहेगी, स्वभाव को आज आपको शांत रखना है, किसी से वाद विवाद ना करें और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आगे है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आज प्रवास और मुसाफरी कहीं पर रह सकती है, सामान्य दिन थोड़ा मध्यम रहेगा, आर्थिक सफलता के योग बन रहे हैं, किसी से वाद विवाद ना करें, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, मानसिक थोड़ी बेचैनी आपको रहेगी, अनावश्यक कार्यों पर ना बोलें, मित्र वर्ग से लाभ रहेगा। आगे है कुंभ राशि। आज के दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वभाव में थोड़ा उग्रता रहेगी, स्वभाव को शांत बनाए रखना है, मानसिक चिंताएं बनी रहेगी, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, कहीं बाहर घूमने का योग आपका बन सकता है, सामान्य खर्चे का योग है, व्यापार से लाभ रहेगा, कुटुंब और परिवार जनों से सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको बोल चाल में संयम रखना पड़ेगा। आगे है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सोच समझ कर निर्णय लेना है, साझेदारी में लाभ रहेगा, व्यापार में उन्नति के प्रगति के योग बन रहे हैं, किसी कार्य को लेकर मन में कुछ चिंताएं बनी रहेगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलने के योग हैं, सामान्य कार्य में विलंब हो रहा है लेकिन निश्चित सफलता मिलेगी, अनावश्यक कार्य में चिंता ना करें, सामान्य मन को शांत बनाए रखें। कल मिलेंगे फिर ठीक 8 बजे एक नए राशिफल के साथ।